एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज फाइनली वो शुभ दिन आ गया है जब हमारे फ्लैट का हैंडओवर मिलेगा। तो या आई एम वेरी एक्साइटेड, विश मी लक कि इस घर में सब कुछ अच्छा हो, हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें और हम बहुत सारे व्लॉग्स बनाएं और आप सबके साथ शेयर करें। अभी हम लोग अपने सोसाइटी के अंदर पहुंच चुके हैं और तभी हमें कॉल आता है कि सर 10 और 15 मिनट वेट कीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत उनके तरफ से डेकोरेशन का काम करना है, तो इसके लिए हमें वेट करने बोला गया। फिर 10 मिनट तक हम नीचे वेट किए और ईवू सो गया था, फिर हम लोग उसको जगाएं और ईवू को थोड़ा सा ठंड लग गया है इसलिए हम लोग इसको स्वेट शर्ट पहना के रखे हैं। आप सब लोग ये मत बोलना कि इतने गर्मी में बच्चे को इतना स्वेटर वगैरह क्यों पहना के रखे हैं, मतलब मौसम चेंज हो रहा है बैंगलोर में, अभी कभी कभी एकदम ही ठंड लग रहा है और थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, तो इस हिसाब से इसलिए उसको स्वेट शर्ट पहना है। वैसे ये बहुत ही हल्का है। और अभी चलो चलते हैं सीधा ऊपर और लेट्स सी कि क्या डेकोरेशन उन्होंने करके रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बलून लगा हुआ है और एक गिफ्ट हैम्पर रखा हुआ है। मुझे लग रहा था कि ये केक है और मैं केक काटने के लिए एक्साइटेड थी, बट बाद में बताऊंगी कि वो क्या है। तो अभी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। फाइनली हमने रिबन कट किया। ईवू पहले तो क्लैप किया, फिर जैसे ही सब लोग चिल्लाने लगे तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगे, तो ये डर के मुझे पकड़ लिया। फिर पीयूष से ये घर अनलॉक हो ही नहीं रहा था और 2-3 मिनट लग गया इनको ओपन करने में। कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इट्स जस्ट कि वो शायद गलत की यूज कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारा घर फाइनली आज हमारा हो गया। और चलो चलते हैं अंदर। अंदर आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मतलब बहुत सारे ये जो बोलते हैं ना फ्लैशबैक हो रहा है कि जो चीज़ें हम जो इमेजिन नहीं किए थे, जो सोचे नहीं थे, जो एक सपना था वो आज पूरा हो रहा है। तो इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ईवू भी काफ़ी एक्साइटेड हो रहा है बलून को देख के। तो थोड़ा बहुत इन्होंने डेकोरेशन किया था। फिर बिल्डर की तरफ से बहुत सारे लोग आए थे और उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, सारा की वगैरह हैंडओवर किया। और अभी तक मैं सोच रही हूँ कि इसमें गिफ्ट है। और एक फ़न फैक्ट बताती हूँ, मैं पीयूष को बोल रही हूँ पीयूष गिफ्ट खोलो ना, वो उसमें केक है, केक कट करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैडम केक नहीं है, ये गिफ्ट है। फिर मुझे लगा चलो कोई नहीं, केक से तो अच्छा है, वैसे भी केक हम खाते नहीं हैं, बट केक काटने में मज़ा आता है, इसलिए मैं सोच रही थी केक भी होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मेरा हाई हो गया था। बट कोई नहीं, गिफ्ट भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो सारे लोग जो यहाँ पर जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो सब मिल के फ़ोटो क्लिक कराएँ। फिर उसके बाद फाइनल चेकलिस्ट दिया हमें साइन करने का कि घर वगैरह में सब कुछ टाइल्स वगैरह स्विचेस वगैरह चेक कर लो, देखो ईवू पूरा अपना काम अच्छे से कर रहा है, सारा स्विच वगैरह चेक कर रहा है, और पूरा घर का सब कुछ डिटेल्स चेक करने के बाद वहाँ पे साइन करना था। अब टाइम आता है, क्योंकि हमसे तो नहीं रहा जाता है कोई भी गिफ्ट हम पर देख के कि इसमें क्या है क्या है। तो हमने सोचा कि चलो अभी ही खोलते हैं, और यहाँ पे रखने का कुछ भी जगह नहीं था। फिर हमने विंडो पे किसी तरह रख के हम लोग खोले, और सबसे पहले तो ये वाला हमें वुडन दिखा, कुछ डेकोरेशन वाला है, डेकोरेटिव आइटम है, जो हमें समझ में नहीं आया। फिर हम सोचे, हमें लगा कि ये एलेक्सा है, बट हमें लगा ये एलेक्सा इतना महंगा कैसे दे सकते हैं, ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर मुझे दिखा ये कॉफ़ी मग, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही सुंदर है। फिर हमें समझ में आ गया कि ये एलेक्सा नहीं है, ये रूम फ्रेशनर जो होता है इलेक्ट्रिक वाला वो है। उसके बाद ये मिला जो कि काफ़ी सुंदर है, सनराइज सनसेट काइंड ऑफ व्यू आता है। फिर एक चाय पत्ती का छोटा सा डब्बा, और इसमें कुछ चॉकलेट्स हैं, ये सारा कुछ है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें सैंड है और बिल्कुल ही ये सनराइज और सनसेट जैसा व्यू आ रहा है, देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है। और या दैट्स इट फॉर टुडे, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे सपने हैं इस घर को लेके, बहुत कुछ है माइंड में सजाने के लिए, इसको एक्चुअल में घर बनाने के लिए। तो इसके लिए बहुत कुछ सोच रखी हूँ मैं। और हाँ, एक और बात, इस घर का होम टूर आपको जल्दी ही मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वो भी ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।